हेलो एवरीवन, आज मैं आपको क्लास ट्वेल्थ चैप्टर नंबर फर्स्ट रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें मैं आपको ये बेसिकली सीबीएसई की एक बुक है जिसे हम सपोर्टिंग मटेरियल कहते हैं। इसमें आपको इस चैप्टर को बहुत ही इजीली तरीके से समझाया गया है, ठीक है। जैसे कि पहले तो कुछ ऐसे टर्म्स दिए गए हैं जिनको आप जिनसे अगर आपको ये समझ में आ जाएंगे तो आपको चैप्टर समझ में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बताया गया कि क्लोन क्या होता है, तो मैं बता देता हूँ क्लोन क्या होता है। जैसे क्लोन का मतलब मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर ऑर्गेनिज्म, मतलब क्लोन ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली अपने पेरेंट से बिल्कुल सिमिलर होते हैं, ठीक है ना। मतलब जनरली ये सारे के सारे यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इनमें ही क्या क्या क्रिएट होता है, क्लोन, मतलब वो अपने ही पेरेंट की बॉडी से डिटैच होकर बनते हैं, तो इसलिए वो उनका मॉर्फोलॉजी और जेनेटिक बिल्कुल सेम होता है अपने पेरेंट्स की तरह, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्लोन कहते हैं। फिर आगे क्या है, जर्नलाइन फेज क्या होता है। तो देखो जर्नलाइन फेज क्या होता है, इट इज़ द पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी बिफोर एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस। तो जर्नलाइन फेज ये वो फेज होता है जिसमें बच्चा जन्म लेने से लेकर जब वो पैदा होता है और पैदा होने के बाद जब वो रिप्रोडक्शन करने लायक होता है, उससे पहले की जो एज होती है ना, हम उसे जेवलाइन फेज कहते हैं। देखो तो क्या लिखा हुआ है, इट इज़ अ पीरियड ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी बिफोर एन ऑर्गेनिज्म कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली। सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कहने से पहले की जो फेज होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम जेवलाइन फेज कहते हैं, ठीक है ना। अब ये म्यूसाइट क्या होता है, तो दीज आर स्पेशलाइज सेल ऑफ डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म विच अंडरगो म्यूसिस टू प्रोड्यूस गैमेट। तो जो म्योसाइट एक मतलब स्पेशलाइज सेल होता है डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में, जिसकी वजह से वो गैमेट्स प्रोड्यूस कर पाता है, ठीक है। अब अगला पेरिकार्प क्या होता है, तो पेरिकार्प इज द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ फ्रूट, मे बी डिवाइडेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। तो बेसिकली फ्रूट्स को मतलब प्रोटेक्शन के लिए होता है, ये डिवाइडेड है, एपिकार्प मतलब अपर है, मीजोकार्प मतलब बीच का है, और एंडोकार्प मतलब सबसे नीचे की लेयर है, ठीक है। तो बेसिकली पेरिकार्प जो होता है वो प्रोटेक्शन के लिए होता है यूज़, ठीक है। अब देखो पार्थियोजेनेसिस, पार्थियोजेनेसिस का मतलब क्या है, तो लिखा हुआ है डेवलपमेंट ऑफ एन एग, क्या डेवलपमेंट ऑफ एन एग इनटू एन एम्ब्रियो, किसी भी एग का एम्ब्रियो में डेवलप होना विदाउट फर्टिलाइजेशन। जनरली आपको पता है कि जो आपका जो एम्ब्रियो होता है वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेवलप होता है, ठीक है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, जो आपका एग है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बता रखा है, ड्रॉटीफर्स, हनी बी, टर्की एंड सम लिजर्ड्स। तो भाई आपको ये एग्जांपल याद रखना है, आपसे डैक पूछता है पहले बोलता है डिफाइन पार्थोजेनेसिस विद सम एग्जांपल्स, तो आपको पार्थोजेनेसिस पता होना चाहिए। पार्थोजेनेसिस कौन शो करते हैं, तो ये वो ऑर्गेनिज्म शो करते हैं जिनमें मतलब जो एग है ना, एग में क्या होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के वो एग क्या हो जाता है, वो डेवलप हो जाता है एम्ब्रियो में। तो बेसिकली इसमें ना, इसमें जो मेल होता है वो थोड़ा सा इनफर्टाइल होते हैं, जैसे कि आप पढ़ोगे स्टराइल हनी बी, इसमें क्या होता है ना, उसमें जो आपका उसे वर्कर भी बोलते हैं, वो आपका जो मेल होता है वो स्टराइल होता है, वो रिप्रोडक्शन करने लायक नहीं होता। तो ऐसे में जो फीमेल होती है वो क्या करेंगी, इस केस में फीमेल क्या करती हैं, उनका जो एग होता है वो आगे जाके अपने आप ही क्या हो जाता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो फिर वो उसमें मेल और फीमेल प्रोड्यूस करती हैं। फिर इस केस में जो फीमेल प्रोड्यूस होती हैं वो तो ठीक है, और जो मेल होता है वो स्टराइल होता है, ठीक है। अब आगे मोनोशियस प्लांट्स कौन होते हैं, तो देखो प्लांट हैविंग बोथ मेल एंड फीमेल, तो आप इसको जैसे कि मान लो ऐसे प्लांट जिनके बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों प्रेजेंट हो, तो ऐसे प्लांट को हम बोलते हैं मोनोशियस प्लांट, ठीक है। अब आप इसे याद कैसे रखोगे, तो आप इसे याद रख लो कि मोनो मतलब एक है और दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, मोनो मतलब सिंगल ऑर्गेनिज्म है पर उसमें दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, इसलिए उन्हें मोनोशियस कहा गया है, ठीक है। और एग्जांपल देखो कौन कौन है, कुकर बीट एंड कोकोनट, द टर्म होमोथैलिक इज यूज इन फंजाई एंड सेम कंडीशन, ठीक है। तो ये होमोथैलिक वर्ड यूज़ किया जाता है मोनोशियस के लिए, पर वो कहाँ पे फंजाई में यूज़ किया जाता है, ठीक है। बेसिकली ना मोनोशियस को हम बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं, बाइसेक्सुअल कौन होते हैं, जिनके एक ही बॉडी पे दोनों सेक्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब अगला टर्म क्या दिख रहा है आपको, डाइशियस, ठीक है। तो डाइशियस का मतलब क्या होता है, तो डाइशियस प्लांट, प्लांट हैविंग मेल एंड फीमेल फ्लावर ऑन सेपरेट प्लांट। तो डाइशियस प्लांट ये वो प्लांट होते हैं जिनके मतलब मेल एंड फीमेल पार्ट सेपरेट होते हैं, ठीक है।
तो सेपरेट प्लांट लिखा हुआ साफ साफ। तो जैसे एग्जांपल पपाया और डेट पाम हो गया, इसके लिए क्या बोलते हैं हेट्रो। हेट्रो का मतलब अलग अलग, उनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं अलग अलग, तो मेल में अलग और फीमेल में अलग, ठीक है। तो और हेट्रोथलिक वर्ड कब यूज़ करते हैं, मतलब यूज़ करते हैं कि जिन अलग अलग एरिया पर, फंजाई में हेट्रोथलिक वर्ड यूज़ करते हैं। अब आगे आता है एस्ट्रस साइकिल, ठीक है। देखो ये चैप्टर मतलब ये है कि इस चैप्टर को जब पढ़ोगे तो आपको कुछ ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, तो वो वर्ड्स समझाने के लिए मैं आपको बता पा रहा हूँ कि क्या है या नहीं है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब देखो आपको वर्ड मिल रहा है एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल क्या होता है, तो देखो द रिप्रोडक्टिव साइकिल इन नॉन प्राइमेट्स मैमल्स लाइक काउ, शेप्स, रैट्स, डियर, डॉग एंड टाइगर एट्सेट्रा, द सेक्सुअली एक्टिव फीमेल रेफर टू एज बींग हीट इन एज स्पेसिफिक टाइम ऑफ एस्ट्रस साइकिल, दे री एब्जॉर्ब द एंडोमेट्रियम इफ कंसेप्शन डज नॉट अकर। जैसे कि फीमेल में, जैसे कि अगर हम ह्यूमन बींग की बात करें तो ह्यूमन में हम प्राइमेट्स हैं, ठीक है। तो हमारे में क्या होता है, हमारे में जब जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल फ्लो करता है तो उसमें एग आता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के एग मतलब बीच में एग प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मतलब बेसिकली क्या होती है, ब्लीडिंग होती है ना, जब फीमेल में स्टार्टिंग में ब्लीडिंग होती है, ठीक है। ब्लीडिंग होती है और जैसे मान लो एग प्रोड्यूस होता है, एग फर्टिलाइज नहीं होता है, तो आपका जो एग है वो आपके बॉडी में रह जाता है, प्लस आपका जो एंडोमेट्रियम की वॉल वो रीजनरेट हो जाती है। पर एस्ट्रस साइकिल में क्या होता है, इसमें इनका जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है ना, सॉरी मतलब जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस समय ना उनमें हीट बहुत ही ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब फिर उसके बाद ना जो उनकी ब्लीडिंग होती है ना, वो ब्लीडिंग बेसिकली ब्लीडिंग नहीं होती, उसमें बोल सकते हो कि एंडोमेट्रियम की जो वॉल होती है ना रीअब्सॉर्ब कर लेती है ब्लड को, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, सेक्सुअली एक्टिव फीमेल रेफर टू एज बीइंग इन हीट एट स्पेसिफिक टाइम ऑफ एस्ट्रस साइकिल। इनके एस्ट्रस साइकिल के बीच में क्या प्रोड्यूस होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद दे रीअब्सॉर्ब द एंडोमेट्रियम इफ कंसेप्शन डज नॉट अकर, अगर उनका कंसेप्शन नहीं होता है मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती है, तो रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं एंडोमेट्रियम की वॉल को, ठीक है। अब जैसे कि अब हम बात करते हैं इस चैप्टर में, रिप्रोडक्शन दो टाइप का है, एक तो सेक्सुअल है एक असेक्सुअल है। फिर देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर हम सिंगल ऑर्गेनिज्म की बात करें, सिंगल सेल वाइज, तो बाइनरी फिजन होता है, अमीबा शो करता है, पैरामीशन शो करता है। उसके बाद इन एल्गी फंजाई एंड मल्टी सेल और लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे कि जूस्पोर, क्लाइमेडोमोनास, ठीक है। फिर जो रनर होता है, अगर हम वेजिटेटिव की बात करूँ तो रनर कौन शो करता है, ऑक्जैलिस, ठीक है। अब जैसे कि देखो मैं सारे नाम बता, जैसे कोनिडिया, कोनिडिया कौन शो करता है, पेनिसिलियम। बर्ड कौन शो करता है, मतलब हाइड्रा, गैम्यूल, स्पॉन्जेस, उसका फ्रेगमेंटेशन स्पायरोगैरा, स्पोरुलेशन अमीबा और पैरामीशन, रीजनरेशन हाइड्रा और प्लेनेरिया, ठीक है। तो ये सारे मैं बता रहा हूँ मल्टीपल जो ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब उसके बाद राइजोम कौन शो करता है, मतलब राइजोम के थ्रू जिंजर बनता है, शक्कर के थ्रू बनाना बनता है, ऑफसेट के थ्रू वाटर हाइसिंथ बनता है, बल्ब के थ्रू ऑनियन बनता है, लीफ के थ्रू ब्रायोफाइलम, बुलबिल के अगेव और आई बर्ड के थ्रू पटैटो। तो बता रखा है ये सारे सारे जितने भी नए वाले सारे के सारे वेजिटेटिव, एक मिनट, तो ये जितने भी है ना ये सारे के सारे ना आपका वेजिटेटिव प्रोसेस के थ्रू होते हैं सारे के सारे, ठीक है। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, ये आपको बस कुछ नहीं करना, आपको याद ही करना पड़ेगा, और ऐसा कोई इलाज ही नहीं है, समझ रहे हैं आपको, आपको सिर्फ याद ही करना पड़ेगा। तो देखो ये एनसीईआरटी की सारी चीज़ दे रखी हैं, तो आप एनसीईआरटी पढ़ने के बाद अगर बस आप सिर्फ ये याद कर लोगे तो आपका काम हो जाएगा। फिर जैसे देखो गैमेट ट्रांसफ़र, तो देखो होता क्या है ना, गैमेट ट्रांसफ़र का मतलब क्या है, गैमेट जैसे कि मान लो तो देखो आप गैमेट ट्रांसफ़र का मतलब बताया तो मैं सिंपल, जैसे कि आपको पता है कि जनरली जो मेल गैमेट होता है ना वो होता है मोबाइल, मोटाइल बेसिकली, जो मूवमेंट कर सके। पर अगर आप फीमेल गैमेट्स की बात करोगे ना, तो जो फीमेल गैमेट्स क्या होते हैं, वो इनमोटाइल होते हैं, मतलब तो मूवमेंट शो नहीं करते, ठीक है ना। तो बोल सकते जनरली वो स्टेशनरी होते हैं, तो गैमेट ट्रांसफ़र तो करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो जैसे देखो इन एल्गी ब्रायोफाइट एंड टैडोफाइट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स आर फ्लैजिलेटेड मोटाइल नीड अ मीडियम टू रीच द एग, तो उन्हें मीडियम चाहिए होता है एग के पास पहुंचने के लिए, ठीक है। जनरली जो मीडियम क्या होता है, वाटर होता है। उसके बाद इन सीडेड प्लांट पॉलन ग्रेन आर ट्रांसफर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर सेम स्पीशीज बाई वेरियस एजेंट लाइक विंड, वाटर, इंसेक्ट, बर्ड एंड एंट, ठीक है। तो
बेसिकली से क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं, या पढ़ोगे प्रॉपर आगे जाके। उसके बाद इन एनिमल्स, एनिमल्स में कैसा होता है, तो देखो एनिमल्स में जनरली कॉपुलेशन के थ्रू होता है। कॉपुलेशन का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, ठीक है। अब देखो जैसे कि इन कॉपुलेशन, बाय कॉपुलेशन रेप्टाइल्स में, बर्ड्स में और मैमल्स में, बाय एक्सटर्नल मीडियम मतलब रिप्रोडक्शन एक्सटर्नल मीडियम कैसे होता है, तो फिशेज में और एम्फीबियंस में, ठीक है। अब बात करते हैं स्पोरुलेशन की। स्पोरुलेशन ना अभी सर बेसिकली आपके एनसीईआरटी में नहीं है, पर अगर आप सप्लीमेंट्री में देखोगे तो आपको स्पोरुलेशन मिलेगा। क्या होता है, ड्यूइंग अनफेवरेबल कंडीशन लाइक अमीबा सराउंडेड बाय रेजिस्टेंस कॉल्ड थ्री लेयर हार्ड कवरिंग सिस्ट, दिस कॉल्ड एनसिस्टेशन, विद इन सिस्ट ए नंबर ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म्ड। होता क्या है स्पोरुलेशन में, उसमें ना उनके ऊपर एक लेयर बनी होती है जिसे सिस्ट बोलते थे, और इस प्रोसेस को इनसिस्टेशन बोलते हैं, ठीक है। विद इन सिस्ट ए नंबर ऑफ स्पोर्स आर फॉर्म, और उसके अंदर ना बहुत सारे स्पोर्स होते हैं। ऑन रिटर्निंग फेवरेबल कंडीशंस, जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, द सिस्ट बर्स स्पोर आर लाइब्रेटेड ग्रेजुअली ग्रो इन अडल्ट, दिस प्रोसेस नोन एज स्पोरुलेशन। तो बेसिकली स्पोरुलेशन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक ऑर्गेनिज्म है, उनके इनके ऊपर एक बहुत ही हार्ड लेयर बनी हुई है, जिसे बोलते हैं यहाँ पे बोला हुआ है एनसिस्ट बोला गया है, उसका इस प्रोसेस को इनसिस्टेशन बोलते हैं। अब जब वो जब उनके लिए फेवरेबल कंडीशंस आएगी, तो जितने भी आपके अंदर स्पोर्स होते हैं वो आउटर लेयर पहल टूटेगी और सारे के सारे स्पोर एटमॉस्फेयर में आएंगे और उनका नंबर बढ़ेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेयर एन ऑर्गेनिज्म स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट्स, तो बॉडी उनकी टुकड़ों में टूट जाती है। दिस फ्रेगमेंट डेवलप इनटू न्यू इनटू फुल्ली ग्रोन इंडिविजुअल, जैसे कि एग्जांपल स्पायर वगैरह, फंजाई एंड एनालिट्स, कुछ एनालिट्स होते हैं, ठीक है। तो फ्रेगमेंटेशन कौन शो करता है, बेसिकली स्पायर वगैरह रखना आपको। उसका रीजनरेशन में क्या होता है, मैं आपको बता दूँ, रीजनरेशन मतलब आता है कि मान लो कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके बॉडी के पार्ट को आप कहीं से भी काटो और कैसे भी काटो, तो उनके बॉडी का हर एक पार्ट पूरा एक नया इंडिविजुअल बनने के लिए तैयार रहता है, पूरा एक नया इंडिविजुअल बनने के लिए तैयार रहता है। तो हम इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रीजनरेशन। और ऐसे ऑर्गेनिज्म कौन है, तो नाम बताते हैं आपको कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है। तो देखो, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिन्यूअल और रिस्टोरेशन एंड ग्रोथ, इट कैन अकर एट द लेवल ऑफ द सेल टिश्यू एंड ऑर्गन, इट कॉमन इन हाइड्रा प्लेनेरिया और इकाइनोडर्म्स, ठीक है, इनमें होता है। उसके बाद इन ह्यूमन लीवर हैज़ अ पावर ऑफ रीजनरेशन, आपके लीवर के अंदर ना जनरेशन कर रीजनरेशन करने की पावर होती है इफ़ इट इज़ पार्शली डैमेज, ठीक है। उसका ड्यूरिंग डेंजर लिजर्ड डिस्कार्ड अ पार्ट ऑफ इट्स टेल विच एन रीजनरेट लेटर, तो मतलब डेंजर सिचुएशन में अगर जो लिजर्ड होता है उसका वो पूछ कट जाती है, तो कुछ टाइम बाद उसके पास फिर से वो पूछ आ जाते हैं, तो इसमें से क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव। अब देखो आपको कुछ वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि आइसोगैमिट मिलेगा और हेट्रोगैमिट मिलेगा। आइसोगैमिट का मतलब क्या होता है कि जो गैमिट्स हैं उनका साइज बिल्कुल सेम है, एक जैसा है। जैसे कि अगर आपको दिख रहा हो क्लाइडोफोरा जो एल्गा है, उसमें देखो दोनों, जैसे ये आपका जैसे मान लो ये मेल है ये फीमेल, दोनों का गैमिट का साइज इक्वल है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम आइसोगैमिट बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद उसका अगला एग्जांपल क्या है आपका, हेट्रोगैमिट से पूछते हैं कि एग्जांपल दो आइसोगैमिट के हेट्रोगैमिट के, तो आइसोगैमिट देखिए आपको, हेट्रोगैमिट का मतलब क्या है कि जो दोनों मेल और फीमेल गैमिट है इन दोनों के साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, तो ऐसा वो क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमिट बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ये आपका हेट्रोगैमिट है और एग्जांपल फ्यूकस, ठीक है। उसके बाद हेट्रोगैमिट से हमारे ह्यूमन भी आता है, ह्यूमन में जैसे कि ये फीमेल है और ये मेल है, मेल का स्पर्म है, तो दोनों का साइज में बहुत डिफरेंस है ना, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हेट्रोगैमिट्स बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, तो सबसे पहले ना सेक्स होने से पहले मतलब कॉपुलेशन होने से पहले ह्यूमन बॉडी में बहुत सारी तैयारियां होती हैं, ह्यूमन बॉडी बोलो या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में तैयारियां होती हैं, जिसे हम बोलते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन होने से जो इवेंट्स पहले होते हैं उन्हें प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस, ये गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, तो बॉडी में गैमिट्स बनने की प्रोसेस को हम गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। उसके बाद ना गैमिट ट्रांसफ़र क्या होता है, तो अब देखो जब बॉडी में गैमिट्स बन गया है तो गैमिट जब ट्रांसफ़र होगा तभी तो आगे जाके रिप्रोडक्शन होगा ना, तो इसे ये आपके दो प्रोसेस जो रिप्रोडक्शन होने से पहले होता है। अब सेकंड क्या है, फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन दो टाइप का होता है, एक एक्सटर्नल होता है, एक इंटरनल होता है, ठीक है। इंटरनल बेसिकली ह्यूमन बींग्स में होता है और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में इंटरनल होता है, और जैसे हम फ्रॉग की बात उसमें एक्सटर्नल होता है, ठीक है। अब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब मान लो फर्टिलाइजेशन हो गया, चाहे इंटरनल हुआ चाहे एक्सटर्नल हुआ है, तो
पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, तो सबसे पहला इवेंट क्या होता है, जायगोट बनता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सबसे पहली चीज़ होती है वो क्या बनती है, वो जायगोट बनती है। आफ्टर जायगोट, जायगोट बनने के बाद धीरे धीरे आपका जो जायगोट है वो डेवलप होता है, वो एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस, ठीक। अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ईयर और असेक्सुअल, सॉरी असेक्सुअल ईयर, सेक्सुअल ईयर, ठीक है। तो बींग जो आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सिंगल पेरेंट की जॉब पड़ती है, ठीक है। मीटिंग, जो मेटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, गैमेट्स आर नॉट इन्वॉल्व, इनमें गैमेट्स बनना नहीं होता, कोई बनता नहीं है। उसके बाद अगर मैं सेक्सुअल की बात करूँ तो बींग बाई पेरेंटल, मेटिंग इज रिक्वायर्ड, उसके बाद गैमेट आर इन्वॉल्व, मतलब गैमेट्स का फ्यूज होना इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब देखो कुछ क्वेश्चंस हैं, तो ये पता है क्या, अगर इसमें से क्वेश्चन पूछा गया है इसका मतलब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एक बार नहीं तो कम से कम इसको एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना। जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है देयर आर 380 क्रोमोजोम इन अ मेयोसाइट ऑफ अ बटरफ्लाई, हाउ मेनी क्रोमोजोम डज मेल गैमेट ऑफ बटरफ्लाई हैव, तो होंगे कितने होंगे, 1 मार्क क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन देख लो। उसके बाद विच कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ ब्रायोफाइलम इज एक्सप्लोइटेड बाय गार्डन्स, ब्रायोफाइलम की कौन सी प्रॉपर्टी को गार्डनर यूज़ करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इस सब के आंसर बता, आगे लिखे हुए हैं, मेंशन द यूनिक फ्लावरिंग फिनोमेना एग्जिबिटेड बाय स्ट्रोबिलियांथस कुंथियाना नीलकुरंजी, मतलब स्ट्रोबिलियांथस कुंथियाना की मतलब क्या यूनिक फिनोमेना है। उसका मेंशन यूनिक फीचर्स विद रिस्पेक्ट टू फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन बाम्बू स्पीशीज, जो बाम्बू प्लांट स्पीशीज होता है इसकी मतलब फ्लावरिंग और फ्रूटिंग का क्या मतलब यूनिक होता है। तो अब ये तो सारे 1 मार्क क्वेश्चन थे, अगर 2 मार्क्स पढ़े तो हाई ऑर्गेनिज्म है रिस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, बाय ब्रायोफाइट्स एंड टेटोफाइट प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ फीमेल गैमेट्स बाय बट रिलेटिवली वेरी फ्यू, क्यों। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है, डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन गैमेटोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स, आपको इनको फिल करना है कि यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, यहाँ क्या आएगा, ठीक है। तो अगर आप पढ़ो उससे पता चल जाएगा। फिर वाई इज़ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आल्सो कंसिडर टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन को असेक्सुअल का टाइप क्यों मानते हैं। उसके बाद विच इज़ बेटर मोड ऑफ प्रोडक्शन, सेक्सुअल और असेक्सुअल, इनमें से कौन ज़्यादा बेहतर है, सेक्सुअल बेहतर है या असेक्सुअल बेहतर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब अगला क्वेश्चन, अब देखो लाइन से आंसर। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन था ना कि अगर एक 380 क्रोमोसोम है तो बताओ मेल में कितना होगा, तो जो मियोसाइट होता है वो 2n होता है, और 2n तब बनता है जब दो अलग अलग गैमेट्स मिलते हैं, मेल और फीमेल। तो इस हिसाब से अगर मेल की गैमेट की बात हो तो हाफ हो जाएगा, ठीक है ना। उसका क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ब्रायोफाइलम होता है उसकी कौन सी प्रॉपर्टी गार्डनर यूज़ करता है। तो देखो एडवांटेजियस बर्ड अराइजिंग फ्रॉम मार्जिन ऑफ लीव, अगर आपने ब्रायोफाइलम की लीव को देखा हो तो उसमें से थोड़े छोटे नोचेस निकलते हैं, वो नोचेस सॉइल में जाते हैं, और सॉइल जैसे ही अटैच होता है वो फिर वो एक नया प्लांट ग्रो कर जाता है, ठीक है। नीलकुरंजी कुंथियाना की स्पेशल बात क्या थी, क्योंकि वो 12 साल में एक बार अपने फ्लावर्स प्रोड्यूस करता था, ठीक है। उसके बाद फ्लावर्स वन इन देयर लाइफ आफ्टर 50 to 100 ईयर्स प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ फ्रूट्स एंड डाई, जैसे कि अगर बम्बू बम्बू प्लांट की बात करें तो बम्बू प्लांट की खासियत बात क्या थी कि 50 से 100 साल बाद वो अपने मतलब फ्रूट्स प्रोड्यूस करता था, ठीक है, यही है, और फिर मर जाता था अपने पूरे लाइफ में। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या था, वेरिएशन जीन पूल डायग्राम फर्टिलिटी एंड पेरेंटल केयर, चल देखते हैं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन 5 ये है कि हायर ऑर्गेनिज्म हैव रिस्टोर्ड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन स्पाइट ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी, वाई, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेंटेन करके रखते हैं क्यों। आंसर ये है बिकॉज ऑफ वेरिएशन जीन पूल वाइगर एंड वाइटलिटी एंड पेरेंटल केयर, ठीक है ना, और तो उनमें कॉम्प्लेक्सिटी मेंटेन रहती है, तो ऐसा क्यों, तो ये है आंसर आपका। उसके बाद बिकॉज क्वेश्चन ये है कि जो ब्रायोफाइट्स में ना जो मेल गैमेट्स वो बहुत सारे होते हैं पर फीमेल गैमेट लिमिटेड होते हैं, ठीक है। बिकॉज ऑफ मेल एंड नीड मीडियम टू रीच वाट, मतलब मेल गैमेट को पहुंचने के लिए वाटर की जरूरत पड़ती है, ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमेट फेल टू रीच द फीमेल गैमेट, तो अगर बहुत सारे अगर मेल गैमेट पहुंचते हैं तो उनमें से कुछ ही होते हैं जो फीमेल गैमेट के पास पहुंच पाते हैं, ठीक है, ज़्यादातर मर जाते हैं। अब देख लेना सब, अब बाकी आप आंसर आप देख लेना। फिर क्वेश्चन ये था कि वेजिटेटिव को हम असेक्सुअल क्यों मानते हैं, तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन टेक्स प्लेस व्हेन न्यू इंडिविजुअल अराइज फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट ऑफ प्लांट वे हैव करेक्टर सिमिलर टू देयर पेरेंट्स। तो वेजिटेटिव को असेक्सुअल क्यों कहा गया, क्योंकि वेजिटेटिव में क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं उनका मतलब ये
इनको सिंगल पेरेंट से इनका नंबर बढ़ जाता है, इनके बॉडी के पार्ट से इनका नंबर बढ़ जाता है, और इन्हें किसी उसकी जरूरत नहीं पड़ती। किसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्या बोलते हैं, सॉरी, इनके जो करेक्टर होते हैं वो अपने बिल्कुल पेरेंट से मैच करते हैं। तो ये ज़्यादातर प्रॉपर्टी जो होती है वो असेक्सुअल की शो करती है, इसलिए हम इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आता है क्वेश्चन कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इट इंक्लूड्स, मतलब सेक्सुअल और असेक्सुअल में से कौन ज़्यादा बेहतर है, वाई। तो भाई इट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा बेहतर है, क्यों? क्योंकि इट इंट्रोड्यूस वेरिएशन इन ऑफस्प्रिंग हैज़ इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, मतलब उनमें वेरिएशन आता है जिसके वजह से ये इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस को दर्शाता है, मतलब इवोल्यूशनरी मतलब सिग्निफिकेंस के लिए बहुत जरूरी है। उसके बाद इट हेल्प्स ऑफस्प्रिंग टू एडजस्ट अकॉर्डिंग टू चेंज इन एनवायरमेंट, और ये इनमें क्या होता है, हेल्प भी करते हैं एनवायरमेंट के साथ चेंज करना। इट प्रोड्यूस बेटर ऑफस्प्रिंग ड्यू टू कैरेक्टर कम्बिनेशन, और इसमें जो ऑफस्प्रिंग होते हैं वो बेटर होते हैं अपने पेरेंट्स से, क्यों? क्योंकि उनमें कैरेक्टर कैरेक्टर अलग अलग कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, इसलिए।